हाय एवरीवन वेलकम टू मी एंड मॉमी दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या जस्ट अभी हुई है तो आपके बहुत काम आएंगे विच इज़ कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ आपको क्या क्या चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं फॉर इनिशियल लाइक टेन फिफ्टीन डेज़ तो उसी बारे में हम बात करेंगे आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक तो ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इनमें से कोई भी मिस्टेक आप अपने बेबी के साथ ना करें तो अगर वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जब भी हम न्यू बॉर्न बेबी की केयर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली जो पॉइंट होता है जो हर बच्चे के केस में को ख्याल रखना ही चाहिए विच इज़ बच्चे की अम्बलिकल कॉर्ड या जो बच्चे की गर्भ नाल जिसको बोलते हैं इस पर जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो एक छोटा सा क्लिप लगा होता है वो जो अम्बलिकल कॉर्ड होती है वो जनरली सेवन टू फिफ्टीन डेज़ के अंदर जनरली वो अपने आप ही गिर जाती है तो उसका आपको ये ख्याल रखना होता है कि वो जगह बिल्कुल भी गीली ना रहे जब भी आप बच्चे को बात दे रहे हैं तो या तो उस जगह को कवर करके दें या फिर आप स्पंच दें और बच्चे की नाभी की जो चारों तरफ का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करें आ, अम्बलिकल कॉर्ड में कोई भी डेटॉल स्प्रेड कुछ भी आपको नहीं डालना है कोई ऑयल नहीं नथिंग वो अपने आप ही धीरे धीरे करके सूख जाएगी आपकी लाइक एक हफ्ते से दो हफ्ते के बीच में और वो गिर जाएगी और उसके सूखने के बाद भी जब तक वो एरिया प्रॉपर नॉर्मल हील ना हो जाए जैसा नॉर्मल अडल्ट की आपको ने वाले ना भी देखने को मिलते हैं तब तक वो ऐसा ना हो जाए तब तक आपको उस एरिया को ड्राई ही रखना है मालिश के टाइम पे भी बच्चे को नहलाने के टाइम पे भी नेक्स्ट आता है कि जब भी आप बच्चे को गोदी में लें तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको बच्चे की जो नेक है उसको चाहे अपने हाथ से सपोर्ट करना है अपने लाइक फिंगर से सपोर्ट करना है बट यू नीड टू मेक श्योर कि जनरली तीन से चार महीने के छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अपनी नेक कंट्रोल करना नहीं आता है तो अगर आपने उनके नेक पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया उनको उठाते टाइम लिटाते टाइम गोदी में लेते टाइम या शोल्डर से लगाते टाइम तो बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए तो स्पेसिफिकली जो भी फ़र्स्ट टाइमर मॉम है उनको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे को गोदी में उठाएं तो हमेशा आपको उसकी नेक को सपोर्ट करना होता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों के हेड को या स्कल को लेकर बच्चों का हेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को लाइक जब को भी सुला रहे हैं या उसके साथ प्ले कर रहे हैं तो आपको गलती से भी बच्चे के हेड पे ज़ोर ज़ोर से पैट नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होता है बच्चे की जो मसल्स होती हैं बहुत सॉफ़्ट होती हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं तो उससे बच्चे के सर में कुछ डैमेज होने के रिस्क हो सकता है तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि बच्चे के सर पर आपको जोर जोर पैट नहीं करना है नेक्स्ट पॉइंट भी इसी का एक्सटेंशन है कि छोटे बच्चे की सारी ही मसल्स और सारी ही बोन्स जो होती हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं ताकि वो इसलिए एक्चुअली होता है कि बच्चे जब डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को मदर के रूम से बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस वजह से बच्चे की सारी मसल्स बहुत ही लूज होती हैं सॉफ्ट होती हैं तो आपको बच्चे को शेक भी नहीं करना है चाहे आप उसे गोदी में लेके ऐसे ऐसे शेक करें ऐसे उछालें या ऐसे काइंड ऑफ उसको सुला वो सो रहा है तो उसको उठाते टाइम तेज तेज ते ते शेक करें आपको किसी भी तरीके से बच्चे को शेक नहीं करना है बच्चे की बॉडी के किसी भी पार्ट को आपको शेक नहीं करना है ज़ोर जोर से ना एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए जो कि एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है आपको छोटे बच्चों के ऊपर कोई भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए पाउडर बेसिकली क्या करता है कि बच्चे की स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है और अगर समर का टाइम है बच्चों को पसीना वगैरह आता है तो वो बेबी की स्किन पे चिपक जाता है तो आप छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल भी पाउडर मत यूज़ कीजिए इसके अलावा पाउडर जो होता है वो हवा में उड़ता भी है तो बच्चे उसको लाइक अपनी सांस के साथ ले भी सकते हैं तो वो भी बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है तो आप छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल भी पाउडर मत यूज़ कीजिए जो कुछ एक, एक एंटीसेप्टिक पाउडर आते हैं कई बार हो सकता है कि बच्चे के अम्बलिकल कॉर्ड वाले एरिए आपको डॉक्टर लगाने के लिए बोले वो पाउडर अलग होता है जैसे वो मेडिकेटेड uh, पाउडर होता है बेसिकली और वो ऐसे हवा में इतना उड़ता भी नहीं है वो थोड़ा सा आई कैन से उसका टेक्स्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है तो आप उस पाउडर को यूज कर सकते हैं बट जो नॉर्मल जो टेलकम पाउडर होते हैं बच्चों के वो आप बच्चे के ऊपर मत यूज कीजिए बच्चे की किसी भी बॉडी पार्ट पर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपको हमेशा ही बच्चों के साथ ख्याल रखना होता है विच इज हाइजीन हाइजीन जब आप बच्चे को अलग फीड करा रहे हैं बच्चे को अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं कटोरी चम्मच से फीड करा रहे हैं बच्चे को गोदी में ले रहे हैं कोई बच्चे से बाहर से मिलने आ रहा है इन सारे ही केसेस में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी बच्चे को गोदी में ले या बच्चे को फीड कराए उसके हाथ प्रॉपर्ली धुले हों बच्चे को गोदी में लेने से पहले सब लोग अपने हाथ क्लीन करें या सैनिटाइज करें जो भी लोग बेसिकली जब बाहर से आ रहे हैं या इवन घर की भी फैमिली में बच्चे को फेस पे कोई भी किस ना करे तो इनिशियल कुछ दिनों में आपको इस सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है ताकि बिकॉज बच्चा बहुत ही डेलिकेट होता है यू डोंट नो कि उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये श्योर sure करना है कि जितनी मैक्सिमम हाइजीन आप ले सकते हैं उतनी आप मेंटेन कीजिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे के सोने को लेकर तो आप जब बच जब तक बच्चा छोटा है स्पेसिफिकली लाइक like दो दो महीने से छोटा है तब तक आप बच्चे को उसकी बैक पे ही सुलाइए। बच्चे को सुलाने के लिए आप उसकी साइड या आप उसकी टमी पे मत उसको सुलाइए बिकॉज सोते टाइम यू डोंट नो कि बच्चा अपने फेस को किस तरीके से कवर लाइक बेसिकली दबा सकता है या कवर कर सकता है जो कि बच्चे के लिए बहुत रिस्की होता है जब तक बच्चों को रोल ओवर करना नहीं आता है तब तक आप उनको उनके बैक पे ही सुलाइए इसके अलावा जब आप छोटे बच्चों को सुला रहे हैं तो कभी भी ब्लैंकेट उनके मुंह पे मत कवर कीजिए ब्लैंकेट मैंने पहले वीडियो में भी मेंशन किया था कि बच्चों को हमेशा एक लाइट ब्लैंकेट होना चाहिए और ब्लैंकेट बच्चों के लाइक सीने तक ही होना चाहिए और बच्चों के हाथ ब्लैंकेट से बाहर होने चाहिए ताकि बच्चे गलती से भी ब्लैंकेट अपने मुंह पे ना डाल लें बिकॉज उनको ब्लैंकेट हटाना नहीं आता है तो ये भी आप ध्यान रखिए बच्चों को सुलाते टाइम नेक्स्ट पॉइंट आता है टमी टाइम को लेकर आई नो टमी टाइम में आपको बच्चे के साथ खेलने बहुत अच्छा लगेगा बट जब तक बच्चे की नाभि या अम्बलिकल कॉड वाला एरिया बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो गया है पूरी तरीके से हील नहीं हो गया है तब तक आप बच्चे को टम टाइम मत दीजिए बिकॉज उससे क्या होगा बच्चा अपने पेट के ऊपर लेटेगा और अगर उसका अम्बलिकल कॉर्ड या नाभि वाला एरिया प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ है नॉर्मल नहीं हुआ है तो उस केस में बच्चे को वहाँ पर कुछ भी लाइक प्रॉब्लम हो सकती है तो उस जगह को दबा सकता है छील सकता है कुछ भी चोट उसको लग सकती है तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि टमी टाइम आपको तब तक नहीं देना है जब तक बच्चे की ना भी प्रॉपर नॉर्मल शेप में नहीं आ गई है ना नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट बेबी स्पंज बात को बच्चे को नहलाना वैसे बहुत ही छोटे बच्चों को नहलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो इतने डेलीकेट होते हैं तो उस केस में आप जो घर के बड़े होते हैं उसमें ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसके अलावा जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो उससे पहले जो हॉस्पिटल में जो सिस्टर्स होती हैं वो बच्चे को स्पंज बात कराती हैं तो आप उनसे प्रॉपर्ली देख लीजिए सीख लीजिए कि बच्चे को स्पंज बात कैसे देना है विंटर्स में तो ये बहुत ही काम आता है बिकॉज विंटर्स में तो छोटे बच्चे को आप डेली डेली नहीं नहला सकते हैं और जब तक बच्चे की अम्बली कॉर्ड कॉड नहीं गिरती तब तक स्पंज बात देना थोड़ा सा इजी और कंफर्टेबल भी रहता है आ, तो स्पंज बात देते दे टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आ, आ, जिस भी क्लॉथ से आप बच्चे को साफ़ कर रहे हैं वो सॉफ़्ट होना चाहिए आप आ, कुछ भी जो भी आ, 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 सोप वगैरह वो मत यूज़ कीजिए अब बेबी वॉश या बॉडी वॉश जो आते हैं बच्चों के वो आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के जो फोल्ड होते हैं अंडर आर्म्स है नीज़ के नीचे वाला एरिया है आ, बच्चे की लाइक जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं सब ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये सीख सकते हैं जो हॉस्पिटल की नर्स होती हैं अदरवाइज़ घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है बट स्पंज बात भी आप जरूर अगर आपको अकेले बच्चे का केयर करना है तो आप ध्यान रखिए आप नर्स से जरूर सीख लीजिए कि बच्चे को प्रॉपर क्लीनिंग कैसे करनी है ड्यूरिंग स्पंज नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अगेन बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन को या बच्चे की जो लेटने की पोजीशन होती है उसको लेकर तो काफी बार क्या होता है हमें ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बच्चे को हमें बैक पे लेटाना होता है बच्चे को बैक पे ही लेटना आता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे का जो सर होता है वो कॉन्टिन्यूसली सेम ही पोजिशन में रहता है जिसकी वजह से जिस भी पोजीशन में बच्चे का जो सर होता है वो बेड पे या उसकी कार सीट पे या उसके कैरियर पे लग रहा होता है वहां से बच्चे का सर जो फ्लैट होना शुरू हो जाता है तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को स्पेसिफिकली जब सुला रहे हैं तो हर बार आप उसके जो सर की पोजिशन है वो चेंज करते रहिए लाइक एक बार आपने सीधा उसको सुलाया है एक बार सर को इधर साइड से एक बार सर को इधर साइड से ताकि बच्चे के सर के पूरे एरिया को टाइम टू टाइम लाइक अपनी ग्रोथ करने का प्रॉपर टाइम मिले एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आई एम श्योर आपके अगर बेबी नहीं भी है तो भी आपने सुना ही होगा कि बच्चों को हर फीट के बाद बर्फ कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को आप हर फीट के बाद जरूर बर्फ कराएं अगर इनके बच्चा बर्फ नहीं कर रहा है तो भी आप पांच से दस मिनट तक उसको बर्फिंग वाली पोजिशन में रखिए ताकि आपको पता लग जाए कि बच्चा खुद भी अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है तो बर्पिंग आप कभी मत मिस कीजिए स्पेसिफिकली जब तक बच्चा तीन से चार महीने का है तब तक तो आपको मस्ट है बर्प कराना बच्चे को नेक्स्ट पॉइंट आता है उस जगह के लिए जहाँ पे आप बच्चे को लिटाएंगे या सुलाएंगे या बच्चा जहाँ पे भी खेलेगा तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि बच्चा अगर आपके बेड पे खेल रहा है चाहे अपने कॉट में खेल रहा है अपने कैरियर में खेल रहा है कहीं भी खेल रहा है बच्चे के जो ब्लैंकेट है पिलो है बेडशीट है वो बेबी स्पेसिफिक ही हो बेबी स्पेसिफिक मतलब वो अलग ही हो क्लीन ही हो आप ये मत कीजिए कि जिस बेडशीट पे आप बैठते हैं अपने बेड पे आप बिना उस पर कुछ कवर बिछाए बच्चे को बिठा दें आ, ये भी हाइजीन के पॉइंट से ही मैं बोल रही हूँ बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जैसे सपोज बिना स्लीपर्स के फर्श पे घूम रहे हैं उन्हीं पैरों को लेके हम अपने बेड पे आके बैठ जाते हैं बच्चा अपने हाथों से उस बेड को छुएगा और बच्चे अपने हाथ बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुंह में डालते हैं तो ये और इसके अलावा भी कुछ भी बच्चे को इन्फेक्शन या हाइजीन का इश्यू हो सकता है तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि बच्चे के लिए जो बच्चे का ब्लैंकेट है बच्चे की बेडशीट है वो अलग ही रखिए अगर आप उसको अपने बेड पे भी बिठा रहे हैं तो भी एक आ, बच्चे के लिए क्लीन बेडशीट या कोई भी ड्राई शीट कोई ड्राई शीट जो बच्चों की आती है वो ज़रूर बिछाएं और उसी के ऊपर बच्चे को बिठाएं जो कि आपने प्रॉपरली वॉश किया हुआ हो ना नेक्स्ट पॉइंट आता है छोटे बच्चों की क्लोथिंग को लेकर वैसे क्लोथिंग के ऊपर मैंने काफी सारे और वीडियोज भी किए हुए हैं बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है चाहे आपका बेबी किसी भी लाइक वेदर में हुआ है गर्मी है ठंड है बारिश है कुछ भी है लेकिन आपको जो बच्चे की सबसे इनर लेयर है जो कि बच्चे की बॉडी को डायरेक्टली टच करेगी कपड़े की वो आप सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्ट कॉटन होता है वही पहनाइए किसी भी और फेब्रिक की इनर लेयर आप बच्चे को मत पहनाइए चाहे आप फंक्शन के लिए बना रहे हैं चाहे आप कैजुअल कपड़े बना रहे हैं आ, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉटन होता है जो बच्चों का स्पेसिफिकली फैब्रिक वही होता है बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उससे उनकी बॉडी पे कोई भी रैश या कोई भी इचिंग वगैरह नहीं होती है तो इनर लेयर हमेशा आप सॉफ्ट कॉटन की ही रखिए बच्चों के लिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे की फीडिंग को लेकर जिसको आई एम श्योर कि जो पीरियडिशन होते होंगे वो सभी को बताते होंगे बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब तक बच्चा टू मंथ्स का ना हो जाए बच्चे का एक फीडिंग का प्रॉपर एक शेड्यूल ना बन जाए तब तक आपको हर दो घंटे में बच्चे को उठा के फीड कराना होता है हर बच्चे को दो से तीन घंटे में दूध की रिक्वायरमेंट होती है चाहे वो सो रहा है चाहे वो जाग रहा है अगर बच्चा सपोज़ खुद से नहीं मांग रहा है दूध दो दो, दो से तीन घंटे के बीच में तो भी आपको उसको उठा के उसको फीड कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो महीने से छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं उनको पता नहीं लगता है कब उनको भूख लग रही है अगर वो सो रहे हैं तो तो इसलिए बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ अगर हो आपको ध्यान रखना है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली 24 घंटे में से एक स्ट्रेच होता है बच्चों का चार से पाँच घंटे का वो जन मतलब मेरे केस में तो वो रात में ही था आई डोंट नो कि वो हर वो सबको समझ में आ ही जाएगा एक दो दिन में कि बच्चा वो चार से पाँच घंटे वाली जिन्हें कब लेता है अदरवाइज बाकी पूरा टाइम आपको बच्चे को दो से तीन घंटे के गैप पे आपको फ़ीड कराना है चाहे आप फॉर्मूला फ़ीड करा रहे हैं चाहे आप ब्रेस्ट फ़ीड करा रहे हैं एक बात और ब्रेस्ट फ़ीड के, के केस में हो सकता है कि बच्चा दो घंटे से पहले भी डिमांड कर ले कभी कभी तो विच इज एब्सोल्यूटली फाइन अगर बच्चा खुद से डिमांड कर रहा है दो घंटे या उससे पहले तो ऑब्वियसली तो आपको फीड कराना ही है बट ये दो से तीन घंटे का जो पीरियड है दिस इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन कि आपको दो से तीन घंटे के गैप पे बच्चे को फीड कराना मैंडेटरी है तीन घंटे से ऊपर का आप गैप मत रखिए दो फीट के बीच में नाउ नेक्स्ट पॉइंट एक आता है जो कि काफ़ी बार मतलब जो फैमिली मेंबर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं जिसका प्रॉब्लम उनको आगे तक होता है विच इज कि अगर जैसे कभी कभी होता है कि मदर को जो ब्रेस्ट फीड है वो थोड़ा सा लेट आता है एक दिन के बाद आता है तो उस केस में काफी बार क्या होता है हम बच्चे को बॉटल ऑफर कर देते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है जब तक मदर को मिल्क नहीं आ रहा है तब तक आप बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाइए क्योंकि इसके दो नुकसान हैं एक तो बॉटल से हाइजीन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है जो कि छोटे बच्चों के केस में काफी इंपॉर्टेंट है सेकंड चीज की अगर ब्रेस्ट फीड से पहले बच्चे ने बॉटल फीड कर लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाने में बच्चे पकड़ते ही नहीं है माँ का दूध अगर उन्होंने पहले बॉटल से फीड कर लिया तो बिकॉज बॉटल का जो निप्पल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू लाइक मदर ब्रेस सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप बच्चे को अपना मदर फीड स्टार्ट नहीं करा रहे हैं तब तक आप उसको uh, जो अगर आपको ऊपर से दूध उसको पिलाना भी पड़ रहा है फॉर्मुला मिल्क तो आप उसको कटोरी चम्मच से ही पिलाएं ना कि बॉटल से ना नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि घर के सभी से, से सभी बड़े लोगों को पता होता है विच इज़ की जब भी आप बड़ जो न्यूबॉर्न बेबी होता है चाहे वो गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो उसको सनलाइट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की बॉडी में अपने आप में जॉन्डिस या पीलिया होता है वो बच्चे की बॉडी का खुद का होता है जिसका कि सबसे जो बेस्ट क्योर होता है वो सनलाइट ही होता है सनलाइट से आ, अगर आप बच्चे को रेगुलरली बेसिस पे दिखा रहे हैं फॉर लाइक इनिशियल वन मंथ तो जो बच्चे का जॉन्डिस है वो डेवलप नहीं होगा वो जितना था धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा बिना मेडिकेशन के ही तो आप जरूर ध्यान रखिए कि बच्चे को सनलाइट जरूर दिखाइए अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आती है तो भी आप बच्चे को पार्क में ले जाके छत पे ले जाके गाड़ियाँ बिठा के कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं जो कि एक्चुअली हमारे हमने ऐसे ही किया था बिकॉज तो हमारे घर पे सनलाइट नहीं आती थी जिस टाइम पे दर्श हुआ था तो लाइक मोहित उसको गाड़ियाँ बिठा कर लेके जाते थे, थे और उसको बेसिकली उस टाइम सर्दियाँ थी तो बाहर तो बहुत ठंड होती थी तो गाड़ी में बिठा के वो उसको सनलाइट दिलाते थे बिकॉज सनलाइट ही सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके जॉन्डिस को रोकने के लिए नेक्स्ट पॉइंट भी इसी का ही एक्सटेंशन है कि काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत जल्दी ही जॉन्डिस होता है लाइक जब वो हुआ है उसके एक दो दिन के अंदर ही हो जाता है तो उस केस में आपको ये बच्चे ध्यान रखना है कि बच्चों की आंखों का कलर बच्चे की बॉडी का कलर स्पेसिफिकली बच्चे का टमी का कलर आपका पीला तो नहीं पड़ रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बच्चे को जरूर तुरंत ही डॉक्टर के से कंसल्ट करें इसके अलावा छोटे बच्चों में कुछ रैशेज भी हो जाते हैं कभी कभी विच इज़ नॉर्मल क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत डेलिकेट होती है वो अभी मतलब बाहर निकल के आता है मदर की वूम से तो कभी कभी ऐसा होता है कि एयर के कॉन्टैक्ट में आने से छोटे छोटे रेड रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे को कुछ भी आपको नॉर्मल नहीं दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं बट इनकी मेडिकेशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है ना नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि स्पेसिफिकली बिग नोनो है वो ये है कि बच्चे को बिल्कुल भी आपको शहद नहीं चटाना चाहिए एक साल से पहले ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो घर के बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को शहद चढ़ा दो तो, तो उसका पेट साफ़ हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है ये बहुत ही डेंजरस है छोटे बच्चों के लिए जब तक कि बच्चा एक साल का ना हो जाए आपको उसको शहद से बनी हुई या डायरेक्टली शहद किसी भी तरीके से उसको नहीं देना है अप्लाइज टू पेसीफायर ऑल्सो तो जो शहद वाले निप्पल आते हैं वो भी आपको बच्चे को नहीं देना है पेसीफायर तो खैर आपको दो महीने तक बच्चे को देना ही नहीं चाहिए तो आपको हनी किसी भी तरीके से बच्चे को नहीं देना है चाहे कोई कितना भी बोले बींग अ मदर यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस बिकॉज हनी जो है वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होता है बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हनी के हनी को डाइजेस्ट नहीं कर पाता जिसकी वजह से बच्चे को पेट की काफी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप जरूर ध्यान रखिए कि चाहे आपको कोई कितना भी बोले आपको किसी भी कंडीशन में बच्चे को एक साल से पहले हनी नहीं देना है और नेक्स्ट दो पॉइंट आते हैं अबाउट दी मदर तो जो भी मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनको अपने खाने का भी बहुत ध्यान रखना है उनको ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना है जो कि बच्चे के पेट पर हैवी लग पड़े इसीलिए वैसे तो घर में जो बड़े लोग होते हैं वो इस बात का ख्याल रखते ही हैं बट बींग अ मदर आपको भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्पाइसेस हैं मिर्ची है या कोई भी ऐसा खाना जैसे गार्लिक है जिसमें बहुत स्मेल आती है तो वो इनिशियल अपडेज uh, में आप बिल्कुल मत खाइए जब तक कि बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है बिकॉज जो भी आप खाते हैं बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क में वैसा ही फ्लेवर आता है तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि जब तक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तब तक आपको बहुत ही लाइट खाना खाना है नाउ लास्ट पॉइंट आता है आप लाइक आपको सेल्फ केयर का भी ध्यान रखना है आई कैन अंडरस्टैंड कि जो छोटा सा बच्चा है सब लोग उसकी केयर करने में लगे होते हैं फैमिली में सब लोग भी बींग अ मदर आपको भी लगता है कि आप बस उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसी का ध्यान रखें बट यहाँ पे हम क्या गलती कर जाते हैं कभी कभी अपना ख्याल रखना करना भूल जाते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे और चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे लाइक सिजेरियन हो दोनों ही केस में आपको रेस्ट और गुड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आई कैन अंडरस्टैंड कि हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं उस टाइम पे लेकिन आपको आप, आ, ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए फैमिली में जो भी है सबसे आप हेल्प मांगिए जिस भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए उस तरीके की आप हेल्प मांगिए ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा सब कुछ मैं ही कर लूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज आपके लिए भी वो एक बहुत बड़ी मतलब एक जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में कितना ही आप गूगल कर लीजिए यूट्यूब पे देख लीजिए बट जो एक्चुअल में जो फैमिली आपके साथ है फैमिली मेम्बर आपके साथ हैं एक्चुअल में आपको उनकी हेल्प लगेगी ही लगेगी भले से आपको कुछ भी पता है कुछ भी नहीं पता है तो हेल्प मांगने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत हुई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना और बच्चे का दोनों का ख्याल रखें तो देट सेट फॉर टूडेज वीडियो आई होप के सारे पॉइंट आपको हेल्प करेंगे आपके बेबी का ध्यान रखने में ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कई बार में पता नहीं होती हैं और अनजाने में गलती कर बैठते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जो भी लाइक टू बी मदर्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उन सब लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिले और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोज़ आए आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो